पूजा का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया गया है। हिंदू पक्ष की ओर से व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा के अधिकार की मांग की गई थी। वहीं इस संबंध में आपको बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई पहले ही पूरी कर ली थी। बुधवार को वाराणसी जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इसमें कहा गया कि हिंदू पक्ष व्यास जी तहखाने में नियमित पूजा कर सकते हैं। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है हिंदू समाज के लिए, देश के सभी सनातनधारियों के लिए। और आज पूजा का अधिकार व्यास जी के तहखाने में मिला। पंडित सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेंद्र व्यास जी के याचिका पर यह हो गया है, जिसे हिंदू समाज की जीत है। आप काशी ट्रस्ट के ऊपर है कि उसकी पूजा पाठ स्टार्ट, तो 7 दिन के अंदर ये पूजा शुरू हो जाएगी। 7 दिन के अंदर पूजा गिरी सर, ये कोर्ट ने तय कर दिया कि 7 दिन के अंदर। जी, कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा, जो कोर्ट का आदेश है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सभी को जाने की अनुमति होगी जी, सारे लोगों को, भक्तों को, पुजारी को, सारे लोगों को जाने के लिए। तो जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो सारे लोग अब जा सकते हैं वहाँ? जी बिल्कुल 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 जा सकते हैं। तो एक बड़ी बात होगी, एक बड़ी बात है कि जहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ जो जस्टिस के एम पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खुलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूँ। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक।